चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। और जोशीमठ में भू धसाव को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये पांच तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दरकती दीवार, धसती जमीन और ये पांच अलग अलग तस्वीर। देखिए अलकनंदा में टेंशन किस तरह से है, लोगों की मुसीबतें किस तरह से बढ़ रही है और बेतहाशा निर्माण जहां प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो अब एक्शन में भी सरकार नजर आ रही है। सीएम धामी बैठक कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है और कल जोशीमठ का वो दौरा भी करेंगे, जायजा लेंगे। और कटान से बड़ा खतरा जोशीमठ के लिए है और ये तमाम तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं और अब खतरे में पहचान है, अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दरकती दीवार और धसती जमीन जिसकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है और कभी भी कोई बड़ी घटना जो है वो हो सकती है। हालांकि कई दिशा निर्देश जो है वो सीएम धामी के जरिए दिए गए हैं और सीएम धामी ने तत्काल पुनर्वास केंद्र बनाए जाने के निर्देश दिए और खतरे की जद में आए मकानों को भी वहां से खाली कराए जाने और किराए के मकान में शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 6 महीने तक 4,000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कभी भी खत्म हो सकता है जोशीमठ। और जोशीमठ में कटान से भू धसाव का खतरा बढ़ता जा रहा है, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीत ने। किस तरह से शहर का कटान भी है, भूस्खलन किस तरह से इस पूरे शहर को अपने चपेट में ले रहा है, उसके लिए आप थोड़ा सा अगर बद्रीनाथ हाईवे की तरफ जाते हैं तो आपको दिखाई देता है। ये ऊपर जो आपको दिख रहा है वही नरसिंह मंदिर है, ऊपर की तरफ जो सामने दिख रहा है ये जोशीमठ का वो हिस्सा है। नरसिंह मंदिर वहां है जहां भगवान बद्रीनाथ की डोली, जब मंदिर बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो जहां रखकर उनकी पूजा अर्चना होती है, तमाम पुजारी जहां रहते हैं वो तमाम मंदिर नरसिंह मंदिर है। और ये देखिए आपको ये पूरा साफ तौर पे दिखाई देगा कि किस तरह से ये पूरा कटान उस पूरे शहर के हिस्से को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रहा है। ये जब रीणी का जब पिछली बार 2021 में बाढ़ ने जब बुरी तरह से पूरा स्थिति खराब की थी उस वक्त भी यहाँ काफी कटान हुआ था और अब ये जो बिल्कुल मुहाने पर बसे हुआ शहर का ये हिस्सा आपको साफ तौर पर दिखा रहा है कि आखिर जोशीमठ कितनी बड़ी समस्या के अंदर इस वक्त है। और सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो इसको रोक सके, नहीं तो जोशीमठ किस्सों और कहानियों में रह जाएगा। जोशीमठ में भू धसाव के कारण की जांच के लिए टीम पहुंची, टीम लगातार जांच कर रही है किन वजहों से भू धसाव हो रहा है, इस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है और भविष्य में क्या चुनौतियां हो सकती है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें, जोशीमठ में भू धसाव पर एसडीआरएफ आईजी रिद्धिम अग्रवाल का बयान सामने आया है और एसडीआरएफ की टीम पहले से तैनात है। ये बड़ा बयान उनका सामने आया है, एसडीआरएफ की टीम पहले से तैनात है, किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर टीम तैयार है और इसे लेकर पूरी तैयारी की गई है। एसडीआरएफ की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो एसडीआरएफ आईजी रिद्धिम का ये बड़ा बयान और जोशीमठ में भू धसाव पर एसडीआरएफ आईजी रिद्धिम अग्रवाल का बयान सामने आया, किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर तैयार है। एसडीआरएफ की टीम को पहले से ही तैनात कर दिया गया और टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है, किसी भी स्थिति से निपटने को लेकर तैयार है टीम। कर दिया है, वहाँ पर लगभग हमारे 40 से 50 जवान इस वक्त मौजूद हैं, जो निरंतर रात्रि में जिला प्रशासन पुलिस की टीम के साथ भ्रमण पर रहते हैं और विभिन्न एरियाज जो अफेक्टेड है वहाँ का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया गया है। इसके साथ साथ हमारी जोशीमठ के आसपास जो 4-5 पोस्ट हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, लगभग 100 लोग उन पोस्ट पर भी हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इमिजिएटली उन पोस्ट से हम रीइंफोर्स कर सकें। देखिए कंट्रोल रूम जो हमारा एसडीआरएफ का है वो हमारा बटालियन हेडक्वार्टर में स्थापित है, हमारी पूरी बटालियन हेडक्वार्टर में भी जवानों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, कभी भी जरूरत पड़ती है इमिजिएट कॉल पे अवेलेबल है। और जोशीमठ में भू धसाव के कारणों की जांच के लिए टीम पहुंची है, टीम लगातार जांच कर रही है किन वजहों से भू धसाव हो रहा है, इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता, भविष्य में क्या चुनौतियां हो सकती है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
सुबह से टीम लगी हुई है और जो विशेषज्ञ टीम आई हुई है वो मॉर्निंग से ही लगातार विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उसने अपना सर्वे किया है और इसमें स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो जियोलॉजिस्ट भी हैं, बिल्डिंग स्पेशलिस्ट भी हैं, IIT के भी एक्सपर्ट हैं और NIH के भी एक्सपर्ट हैं। तो सारे ये पूरी टीम लगातार अभी तक ये दौरा चल ही रहा है। भविष्य में चूंकि भूधसाव अभी चल रहा है और भविष्य के लिए हमें सचेत रहना होगा, तो सतर्कता के दृष्टिगत उनको बुलाया गया है कि वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो वही टीम भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रही है। आखिर भूधसाव के पीछे की वजह क्या है, इसे लेकर NDRF की टीम जांच के लिए पहुंची। आपको बताते चले कि IG रिधिम अग्रवाल का भी बयान सामने आया कि SDRF की टीम मौके पर मौजूद है और तैयारी के साथ है। जोशीमठ भूधसाव पर बोले पूर्व CM तीरथ सिंह रावत, जोशीमठ भूधसाव से PM मोदी चिंतित हैं और PM नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्रीय टीम लगातार जांच कर रही है। तो जोशीमठ भूधसाव की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही, तो पूर्व CM तीरथ सिंह रावत का भी बयान सामने आया है और जोशीमठ भूधसाव को लेकर PM नरेंद्र मोदी भी चिंतित है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी इस पर नजर बनाए हुए हैं, स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्रीय टीम लगातार जांच कर रही है। राहुल गांधी जमीनी हकीकत तो पता है नहीं, आखिर गरीबी कहां तक है, कहां तक लोग जीवन यापन अपना गरीबी में कर रहे हैं उन्होंने देखा नहीं है। उनको केवल एक ही बात सूझती हर समय, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज़ स्टेट पर बने रहें।